सो फ्रेंड्स राइट नाउ द मैरिज प्रोग्राम हैज स्टार्टेड. आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुली एंड सिंपली द गाइस आर सिटिंग हियर. दीस आर द कपल आर मेकिंग द हिस्ट्री. और यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का देयर इज नो डाउरी और किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी नहीं है. और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज मुक्त विवाह करते हैं, वही चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है. आप देखिए तमाम जो अनुयायी हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप सभी को कैप्चर करें. तमाम अनुयायी हैं, द ऑल गाइस आर सिटिंग सिंपली एंड ये जो मैरिज प्रोग्राम है ये शुरुआत हो चुकी है इस प्रोग्राम की. आप देखिए सभी जो कपल है वो बहुत ही सादगीपूर्ण बैठे हुए हैं और बहुत ही सिंपली ये लोग वैवाहिक कार्यक्रम को यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो जोड़ियां हैं वो सभी लोग उनमें से हमने कुछ के इंटरव्यू लिए हैं और उनसे पूछा है कि हाउ द गाइज आर फीलिंग. बट ऑल गाइज आर सेइंग दैट वी गाइज आर सो मच हैप्पी विद दिस मैरिज प्रोग्राम. एंड गाइज ये मैरिज प्रोग्राम ये शादी. सो फ्रेंड्स यू कैन सी दैट हाउ सिंपली द गाइज आर सिटिंग एंड डूइंग दिस मैरिज. सो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर ये जो जोड़े हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं. And how simply this marriage is, as you know, guys, is taking place. And mostly we just come here and we just have a look that इसी तरीके से जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम हैं वो होते हैं. And all guys are fantastic and feeling so much amazing. So overall this marriage program is tremendous and we are showing you this live telecast. We can see that and this is amazing. तो दोस्तों इस प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम ही आदि सनातन कल्चर का हिस्सा है और ये है भारतीय संस्कृति जहाँ पर बिना किसी दहेज के विवाह हो जाता था. और इतना सादगीपूर्ण, ना कोई बेटा ना कोई बेटी कोई नशा करते हैं, ना ही किसी प्रकार का फिजूल खर्चा है, ना माँ बाप पर बोझ है. ये था सनातन कल्चर, ये थी सनातन सभ्यता. और ये देखिए दोस्तों इस सभ्यता को इतना बुरा बिगाड़ा इस बॉलीवुड ने जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सनातन कल्चर पर उंगली उठाई जाने लगी. बुरा तो बॉलीवुड था लेकिन बुरा कहा जाता था भारतीय संस्कृति को. दोबारा से संत रामपाल जी महाराज जी ने भारतीय संस्कृति को जीवंत किया है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि नमन. आप देखिए कितने स्वच्छ और सुंदर ढंग से यहाँ पर सफेद वस्त्र यहाँ पर बिछाए गए हैं. स्नो व्हाइट ड्रेस में, स्नो व्हाइट कपड़े के ऊपर ये लोग सभी लोग बैठे हुए हैं. बहुत ही शानदार माहौल एंड एटमोस्फियर बना हुआ है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी का. यू आर वॉचिंग, दिस इज अमेजिंग things and the amazing program. Really I don't have the words for this. This is amazing and tremendous program and we want to show you that this program, these type of the programs are the symbol of the Sanatan Dharma. And you can see that how simply the guys are sitting and the marriage is taking place. Ye hai Sanatan Sanskriti. Kaha jata hai Sant Rampal ji Maharaj ji ke bare mein Sanatan Dharma ka punaruthan kar rahe hain. यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन का पुनरुत्थान कर रहे हैं. दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर एक सेवादार जो यहाँ पर ये जो रमैनियां हो रही हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यहाँ पर और इनकी सेवा लगी हुई है. आइए जानते हैं इनसे कि आखिरकार ये जो इतनी रमैनियां हो रही हैं और इतनी सादगीपूर्ण हो रही हैं क्या कारण है. नमस्कार सर जी, क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप दास है. सर बताइए हमारे दर्शकों को इतनी सादगीपूर्ण विवाह होना कलयुग के इस टाइम पर इट्स इम्पॉसिबल. एक्चुअली संत रामपाल जी महाराज इज नाउ ऑन अर्थ, ही इज एक्चुअली द इनकार्नेशन ऑफ द सुप्रीम गॉड, सो एवरीथिंग इज डन बाय हिम इज एक्चुअली पॉसिबल व्हिच सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल. ही इज एक्चुअली शोइंग अस द इम्पॉसिबल थिंग्स मेकिंग दैट पॉसिबल. तो अभी जो रमैनी यहाँ पर हो रही है समाज में बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा राक्षस है दहेज. तो संत रामपाल जी महाराज ने इसका गला पकड़ लिया है कि सबसे पहले हम इसको भी खत्म करेंगे ज्ञान के साथ साथ. तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य चाहे गरीब है या अमीर है, चाहे वो दहेज देने में समर्थ है या नहीं है, आपको दहेज देना ही नहीं है और दहेज लेना भी नहीं है. दोनों ही तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को बिल्कुल इसके नियम के अंतर्गत दृढ़ कर दिया कि आपने नहीं करना. दूसरी बात, भगवान ने संस्कार बना रखे हैं जिसके साथ जिसका सहयोग होगा वो मिलेगा ही. अब आप उसमें 10-20 लाख रुपए खर्च करके कर लो उसको, या अपना सिंपल 5 आदमी के हिसाब से जैसे करते थे वो भी अच्छा था. अब संत रामपाल जी महाराज ने इसको और एडवांटेजियसली एडिशनली इसको शास्त्रों के आधार पे कर दिया. ये जो वाणी चल रही है, जो चल रही है, इसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान है, इसको रमैनी बोलते हैं. तो ये जो हो रहा है अब ये रमैनी के अंतर्गत हो रहा है.
विवाह भी हो रहा है और रमैनी चल रही है, सभी देवी देवताओं की स्तुति भी हो रही है, पूर्ण ब्रह्म से लेकर छोटे से छोटे देवी देवता की इसमें स्तुति होती है और यहाँ पे इसी के अंतर्गत सभी जो है शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सर हमने कुछ कपल से भी ये बात जानी कि आफ्टर द मैरिज ऐसा तो नहीं है कि यू आर मेकिंग अ पार्टी एंड यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग इट, या कोई आप पार्टी थ्रो करो इसके बाद कोई प्रोग्राम होता हो इनका, ऐसा तो कुछ नहीं है सर? जैसा कि ईसाई धर्म के अंदर होता है आफ्टर द मैरिज थ्रो द पार्टी। एक्चुअली दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट सेड बाय संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज टोल्ड अस इफ यू आर द एल्डर वन इन योर फैमिली यू कैन डू दैट ओनली बिकॉज आपने लोगों का खाया है, उनके यहाँ पे दावत की है, तो अगर आप घर के सिर्फ बड़े हैं तो आपको इस नियम में छूट दी जाती है, दैट आई नो वेरी वेल। अगर आप बड़े नहीं हैं, आपने पहले शादी कर दी है, तो एक समाज के हिसाब से कहते हैं भाई हमारे खा तो लिया हमने खिलाया नहीं, ठीक है हमारे घर में दावत तो आगे कर ली और शादी आश्रम में जाके कर ली, तो गुरु जी कहते हैं भाई ऐसा भी नहीं करना, आपके घर में जो बड़ा लड़का है या लड़की है आपने उसमें जो है भंडारे की व्यवस्था अपने घर पे कर सकते हो, उनको खिला सकते हो, उसके बाद नहीं करना आपने। तो ये जो भंडारे की व्यवस्था है वो घर के लोगों के लिए है या फिर गांव या पड़ोस या आसपास के गांव सबको निमंत्रण दिया जाता है? दिस इज फ्रॉम द ट्रस्ट ओनली, नॉट एनी पेनी इज टेकन फ्रॉम द फैमिलीज फ्रॉम व्हिच द रमैनीज और मैरिजेज आर गोइंग टू बी हेल्ड। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट कि ये जो फूड वाला जो मैटर है, क्या ये लड़की पक्ष वाले घर पे जाके किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम करेंगे? नहीं कर सकते, मैंने आपकी अभी आपको बताया है, अगर वो एल्डर वन है और वो भी आप गुरुजी से पूछना होता है उसके लिए कि गुरुजी हम ये करें क्या, अगर आप एल्डर वन है तो उसके लिए आपको छूट दी जाती है, अगर आप एल्डर वन फैमिली में नहीं है तो फिर आपके लिए ये नियम नहीं है, आप अपने घर पे जाओ और सिंपल जो आपका जो डेली रूटीन है आप उसको स्टार्ट करो। सर ये जो विवाह है कब तक संपन्न हो जाएगा? This is only 17 minutes program. आप भी खुश हैं और ये वैवाहिक जोड़े भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। आपने भी ऐसे ही, आपने अपने शादी में कोई दहेज लिया हो? बिल्कुल भी नहीं, मैंने भी ऐसे ही किया था and I am happy in my family. आपकी फैमिली कुछ बड़ी? हाँ एक बिटिया है छोटी। बिटिया है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बेशकीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर सत साहिब, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ये जो तमाम लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं एंड ये जो शादी है वो बहुत शादीपूर्ण संपन्न हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतना सुंदर भव्य माहौल बना हुआ है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली का, और इस भव्य माहौल में एक बहुत ही ज्यादा शानदार ये शादी हो रही है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, इस शादी के गवाह चार लोग नहीं है, इस शादी के गवाह कोई 10 लोग नहीं है, इस शादी के गवाह आप देखिए कितने हैं, कितने लोग हैं इस शादी के गवाह गाइस, आप देखिए कितने ज्यादा तादाद में यहाँ पर संगत आई हुई है एंड द गाइस आर जस्ट बी वॉचिंग एंड यू नो रियलाइजिंग एंड फीलिंग दैट द मोमेंट वॉज गोइंग ऑन इन सतलोक आश्रम शामली एंड यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरुषों की ओर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा संगत में जो श्रद्धालु है वो मौजूद है, और ठीक इसी प्रकार से ये जो माता बहनों की ओर श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर उसी तादाद में मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तादाद में यहाँ पर माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इतने सभी के ये सभी लोग इसके दृष्टा बन रहे हैं। दिस मैरिज इज नॉट बीइंग टेकिंग प्लेस नॉट ओनली फॉर द इन फ्रंट ऑफ द वन पीपल, यहाँ पर आप देखिए कितनी ज्यादा हजारों की संख्या में लोग बाग आए हुए हैं और तमाम सेवादार, आप देखिए यहाँ पर जो तमाम सेवादार है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यही लोग हैं जो इस प्रोग्राम को यहाँ पर इस प्रोग्राम को संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में इस प्रोग्राम को संपन्न करा रहे हैं, और आप इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो पुरुषों की ओर भी कुछ सेवादार है, माता बहनों की ओर भी सेवादार है एंड तमाम जो माताएं बहनें आई हुई हैं वो भी इसकी दृष्टा बन रही हैं। तो दोस्तों आप देखिए ये है पूरा प्रोग्राम एंड इसके पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से कहूंगा दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह कितने शादीपूर्ण यहाँ पर ये जो वैवाहिक जोड़े हैं जो बैठे हुए हैं। दोस्तों इनके विवाह के पश्चात हम इनके अनुभव जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने किस इस तरीके से विवाह करने का जो फैसला है वो क्यों लिया है। बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शिवम दास मेरा नाम है। सर कहाँ से आप? मैं यूपी कन्नौज से हूँ। सर आपने जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है इसके पीछे क्या कारण था? ये पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का शास्त्रों सहित ज्ञान और ये जो उनका ज्ञान है, ये जो जातिवाद इसका खत्म करने का सिस्टम
और ये जो दहेज है इसको बेटियां जो आजकल की हैं वो दहेज रूपी श्राप में दब रही हैं, लोग उन्हें खत्म कर रहे हैं। इसलिए पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है कि बिना दहेज की शादियां होगी, अब बेटियां बोझ नहीं बनेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपको? बहन जी बताइए, आपने इतने सादगीपूर्ण विवाह करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि आजकल लड़कियों की बड़ी इच्छा रहती है गाजे बाजे के साथ शादी हो। हमारे गुरुजी नहीं बताते हैं दहेज मुक्त विवाह और ये सब गुरुजी। अच्छा एक बात बताइए, आप खुश हैं इस विवाह से? हाँ जी। ये विवाह आपकी इच्छा से हो रहा है? जी हाँ। आपने ये सादगीपूर्ण विवाह करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि संत रामपाल जी के महाराज जी के ज्ञान से मुझे ये सब ज्ञान मिला है दहेज मुक्त विवाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सौरभ दास। कहाँ से सर आप? बाराबंकी से। क्या काम करते हैं सर आप? प्राइवेट जॉब है। सॉरी? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब करते हैं सर। हमारे दर्शकों को बताइए, जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया आपने क्यों किया? ये हमें अच्छा लग रहा है बिना दहेज के शादी करते हुए। ये किसकी प्रेरणा से? ये मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी के महाराज की दया से। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? अरुचि दासी। क्या कहना चाहेंगे, आपने दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया, ना कोई गाजा ना कोई बाजा ना कोई बहन ना कोई बराती? सर ये हमारे परमात्मा है जो बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, नशा मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे वहाँ ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है, ना कोई बैंड बाजा ना बारात, नॉर्मली शादी सिंपल शादी होती है हमारे। आपको लगता है कि इस तरीके से विवाह करने से लड़कियाँ सुखी होंगी? हाँ जी सर, इससे बहुत अच्छा मतलब सुखी भी रहेंगी भगत, जिस भगत के वहाँ जाएंगी, क्योंकि दहेज का लालच नहीं रहता। दहेज के लालच में बहुत सारी लड़कियाँ जला दी जाती हैं या घर से भगा दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा भगत में। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमित दास। कहाँ से सर आप? जिला एटा। चलिए सर। सर हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो आपने दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है क्यों क्यों किया है सर? ये परमात्मा के ज्ञान अनुसार, परमात्मा की दया से। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई विशेष दहेज नहीं लेता? नहीं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? प्रीति दासी। कहाँ से हैं आप? जिला आगरा से। ये शादी आपकी इच्छा से हो रही है? जी सर। बहन जी बताइए हमारे दर्शकों को, ये जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला आपने लिया है किसकी प्रेरणा से लिया? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से लिया है, जो हमारे गुरु जी बताते हैं वो शास्त्रों के आधार पर बताते हैं ज्ञान। आपको लगता है कि दहेज मुक्त होने से बेटियां सुखी होंगी? जी मुझे लगता है कि बेटियां सुखी रहेंगी। थैंक यू सो मच। सच है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहब जी राहुल दास नाम है। सर कहाँ से हैं आप? आगरा उत्तर प्रदेश से जी। सर हमारे दर्शकों को बताइए, इस उम्र में लोगों की एक आशा रहती है कि वो गाजे बाजे के साथ शादी करें, बैंड बाजे बराती के साथ होनी चाहिए उनकी शादी, डीजे होना चाहिए, बट आपने एक सिंपल वे में मैरिज करने का फैसला लिया है। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर देखो रमे, हाँ शादी तो होनी है, चाहे लाखों रुपए खर्च करो चाहे एक रुपया खर्च करो, तो ये बारात डीजे बजाने से कुछ होना तो है नहीं, होनी शादी है तो सिंपल वे में करना है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सिंपल तरीके से रेमेडी करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जो कि 17 मिनट में हो जाती है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं तो हम उसी तरीके से रेमेडी कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, अगर दहेज मुक्त विवाह पूरी दुनिया में होना शुरू हो जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अगर ये मुहिम सफल होती है, तो ये कितना अच्छा रहेगा बहन बेटियों के लिए उनके परिवार के लिए? सर ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है कि पूरे भारत को दहेज मुक्त और नशा मुक्त बनाना है, तो दहेज मुक्त में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, और ये जो गरीब जो माँ बाप होते हैं उनकी जो बेटियां होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या संत रामपाल जी महाराज जी का प्रत्येक अनुयायी दहेज मुक्त विवाह करता है? हाँ जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के नियम भी है दहेज नहीं लेना, नशा नहीं करना, तो जो भी उनके अनुयायी होंगे वो दहेज मुक्त विवाह ही करेंगे। शादी के बाद में आप कोई पार्टी प्रोग्राम करोगे? नहीं जी, यही प्रोग्राम है जी, यहाँ आते भंडारा मिलता है जी, यही प्रोग्राम है। आप खुश हैं शादी से? बहुत खुश है जी। सर ये शादी आपकी इच्छा से हो रही? हाँ जी बिल्कुल, घर वालों की इच्छा से भी, हमारी से भी है। सर एक बात बताइए, जिस तरीके से समाज में जो माधव पार्टी देते हैं, क्या आप लोग भी पार्टी वार्टी देने वाले हो? हम भी पहुँचेंगे वहाँ पे फिर? नहीं जी, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। कोई पार्टी नहीं है तो ये सत्संग भी यही प्रोग्राम आपकी पार्टी? हाँ जी ये प्रोग्राम है जी, यहाँ भंडारा होता है, 3 दिवसीय का अखंड पाठ भी है और 3 दिवसीय भंडारा भी है, यही हमारी पार्टी है। आप अभी कोई दहेज का कोई प्रोग्राम नहीं लग रहा मुझे आप दे रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं, बट क्या शादी के बाद में कोई आपकी डील हो कि बाद में हम लाख 2 लाख या 2-4 लाख या 10-5 हजार रुपए जो भी आप कुछ करना चाहें?
जी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो ना तो आगे दहेज लेते हैं ना पीछे दहेज लेते हैं, उनका दहेज से कोई लेना देना ही नहीं है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सिमरन दासी। सिमरन बहन जी थोड़ा सा कम दिस साइड, थैंक यू सो मच, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? सिमरन दासी। कहाँ से हैं आप? आगरा यूपी। आगरा यूपी से। हमारे दर्शकों को बताइए बहन जी, आज इस उम्र में लड़कियों की ख्वाहिश रहती है, वर्तमान में जो मॉडर्न एज चल रहा है उसमें गाजे बाजे के साथ शादी करने की, डीजे होना चाहिए, बैंड बाजे बराती, लेकिन आप इतने सिंपल तरीके से विवाह कर रहे हैं, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। क्या कारण है आपने ये विवाह करने का फैसला लिया? संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ले रखी है तो उन्होंने ये बताया है कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए हमें। आजकल हम देखते हैं कि बेटियों को मतलब बहुत दहेज देते थे लेकिन बाद में उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो खुश रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के चरण में फुल गारंटी की बेटियां सुख रहेंगी, क्योंकि दहेज का भी बाद में कोई प्रेशर नहीं है ना ही अभी कोई प्रेशर है। आपको लगता है कि अगर दहेज मुक्त विवाह होना शुरू हो जाएंगे तो ये बेटियों के लिए अच्छा रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, दहेज मुक्त विवाह होना शुरू हो जाएगा। सच्ची बात क्या हो सकती है, एक समाज के लिए और एक फादर के लिए जो कर्जा लेके, मतलब मोस्टली तो नहीं लेकिन मोस्टली कर्जा लेके शादी करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि उनकी बेटी दहेज मुक्त विवाह करने के बाद भी खुश है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता? ना जी कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता। दहेज इतना जरूरी है ये बहन बेटियों के लिए, बहन बेटियां कितनी सुखी रहेंगी इससे? बहन बेटियां जी बिल्कुल सुख रहेंगी क्योंकि उनके पास दहेज के लिए कोई प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि जो भगत है जो रमेडी कर रहा है उसको भी संत रामपाल जी महाराज की नियम मानने होते हैं, तो बाद में भी कोई दहेज की मांग नहीं की जाती। ऐसा तो नहीं है बाद में आपसे कोई दहेज का प्रेशर बनाएंगे या अभी उन्होंने मना कर रखा होगा तुम्हें बताना नहीं है बाद में दहेज दे देना? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अभी है बाद में भी वही है, दहेज का कोई प्रेशर नहीं है। कभी बाद कोई शादी प्रोग्राम पार्टी वगैरह कुछ नहीं, जो है यही है सब, अभी 17 मिनट में जो होगा वही है सब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बहन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका? मालवीय दास। कहाँ से सर आप? आगरा से। मालवीय दास जी, क्या आप दहेज ले रहे हैं कोई शादी में? नहीं, एक पैसा भी नहीं चाहिए। क्यों सर? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त बहुत सारे शादी और रमेडी कराई है और ना ही हमें चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जिसने अपनी बेटी को ही दे दिया उससे ज्यादा धन कोई नहीं है। तो कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता? नहीं, कोई नहीं लेता। शादी के बाद में कोई प्रोग्राम होगा आपका? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं होगा। कोई दहेज वैसे लिया जाए? नहीं, एक पैसा नहीं। हाँ जी, ये बात सही बोल रहे हैं क्या, कोई दहेज नहीं लिया गया शादी में? नहीं। क्या नाम है आपका? राधा दासी। कहाँ से आप? दासी। खुश हैं विवाह से आप? हाँ। आपकी इच्छा से विवाह हो रहा है? हाँ। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप, इस तरीके से विवाह करने का फैसला लिया है आपने, किसकी प्रेरणा से लिया है, कौन ये शिक्षा देता है आपको? गुरुदेव संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज जी से? बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, थैंक यू सो मच। सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शादी के बाद आप कोई प्रोग्राम करोगे? नो, कोई प्रोग्राम नहीं। कोई प्रोग्राम नहीं है? क्या गारंटी है कि शादी के बाद आप इनको कोई परेशानी नहीं करोगे या आप इनको प्रताड़ित नहीं करोगे दहेज के लिए? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये ज्ञान दिया है कि ना ही हमें दहेज लेना है ना देना है। मेरी बहन की और शादी है एक साथ में, ना तो हम एक चम्मच ले रहे हैं और ना दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? लेखपाल दास। कहाँ से सर आप? आगरा से, गुप्तला गाँव से। सर हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला किया है आपने, क्यों किया? सर हम देखते आ रहे हैं यहाँ पे इस ब्रह्मांड में ना सभी दुखी है और गरीब गरीब जो लोग हैं अमीरों के अपेक्षा बहुत कुछ मतलब कि दबे हुए हैं और उनके हिसाब से वो करने की सोचते हैं और वो कर्ज में इतने दबे जाते हैं कि लड़कियों की ना भ्रूण हत्या होने लगी है, जिसको सरकार रोकना चाहती है लेकिन वो रोक नहीं पाती है। और इसके बावजूद मतलब कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा पैगाम उठाया ये कि मतलब कि भ्रूण हत्या बिल्कुल ना हो और हमारे बेटियां ना एक बराबर में हो जाए लड़के और लड़कियां। तो आप इसके बाद भी कोई दहेज नहीं लेंगे? नहीं जी बाबू जी। नमस्कार जी, कहाँ से आप? झांसी से। आपने ये जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है किसकी प्रेरणा से? गुरु जी की प्रेरणा से लिया है। आप खुश हैं इस विवाह से? हाँ खुश हैं। एक बात और बताइए, क्या इसके बाद कोई गाजा बाजा या पार्टी प्रोग्राम करने वाले हो आप? नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल सादा तरीके से सब कुछ संपन्न होगा। आप भी कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं करने वाले? नहीं बिल्कुल, हमारा ऐसा कोई आदेश नहीं, हमारे गुरु जी गाते हैं हमें मतलब कोई भी आडम्बर हमें कभी भी नहीं करना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। दोस्तों हमारे साथ एक कपल जुड़ा हुआ है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के विधान अनुसार विवाह करने का फैसला लिया। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? जी सर साहब नेम। क्या काम करते हो सर आप? जी खेती बाड़ी घर पे देखते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं, कहाँ रहते हैं सर आप? हम डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर।
और तहसील पोवाया ब्लॉक बंडा गांव भानपुर निर्वाचन। संत रामपाल जी महाराज जी के हिसाब से आपने शादी करने का फैसला लिया है दहेज मुक्त भारत के तहत, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? इस विषय में यही कहना चाहेंगे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, वो एक समाज को ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिससे बेटियां अब माँ बाप के बोझ नहीं है। क्यों, पहले हम सोचते थे कि बेटी अगर हो गई है तो ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत भारी हमने मुसीबत सर पे ले ली है, कर्जा करना पड़ता था, किसी बेटे के लिए जाना पड़ता था तो वो मांगते थे 1.5 लाख 1.5 लाख पड़ेंगे, ऐसा नगद पड़ेगा, ऐसा बाइक देनी पड़ेगी, उन सब चीज़ों से बच गए। और दूसरी बात, बेटियों की भी दिल्लतें पूरी लाइफ टाइम उठानी पड़ती थी और उस हिसाब से हमारे गुरुजी इन सब चीज़ों को दहेज मुक्त भारत को एकदम स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं जिससे बेटियां बोझ नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य दहेज नहीं लेता? जी बिल्कुल नहीं, सतगुरु रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं पूरे विश्व में, पूरे विश्व में कोई भी एक पैसे का दहेज ना लेता है ना देता है। पैंट बाजे बारात बहुत सारे साजो सामान इन सबको त्याग कर बहुत ही सादगीपूर्ण विवाह, क्या आपका मन नहीं करता कि डीजे बैंड बाजे होने चाहिए? जी बिल्कुल नहीं भगत जी, इन चीजों के बारे में हमारे गुरुजी पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि इन सब चीजों से करने से हमारे सर पे कितना बड़ा बोझ हो जाता है जो आगे चल के चुकाना पड़ता है, चाहे हमारी दीदी हो या फिर किसी की बेटी हो अपने घर लाए तो उससे ना कहीं देश देना है ना लेना है। आपकी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बहन जी ये जो विवाह हो रहा है क्या आप इस विवाह से खुश हैं? बहुत खुश हैं मालिक की शुक्र। आपकी इच्छा से हो रहा है? बहुत। कहाँ से हैं आप? चित्रकूट नाम करवी से। क्या नाम है आपका? आरती दास। आरती दासी। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आपने ये जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है, वर्तमान समय में जिस तरीके से देखते हैं बहुत ज्यादा हार श्रृंगार, बहुत ज्यादा ये जो प्रोग्राम्स डीजे बाजे गाजे कुछ भी नहीं, आपने इतने सिंपल तरीके से विवाह करने का फैसला लिया, इसके पीछे कारण क्या रहा? अरे इसके पीछे क्या कारण है, मालिक की सदगुरु से बहुत अच्छी ज्ञान परमात्मा ने देते हैं इसलिए तो अच्छी हमें ज्ञान मिली। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सी माताएं बहनें हैं जो यहाँ पर इस वैवाहिक कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं, जो दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कर रहे हैं, इसको लेकर ये लोग देखने के लिए आए हैं। ये या तो लड़के पक्ष है या लड़की पक्ष है ये भी हम आपको जानेंगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल जानना चाहते हैं कि जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाई है नशा मुक्त और दहेज मुक्त भारत बनाने को लेकर, ये लोग इस वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर, यहाँ के माहौल को लेकर, यहाँ के सेवादारों के व्यवहार को लेकर कितने संतुष्ट है और कितने खुश है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता चौधरी। कहाँ से आप? मैं सोरम गाँव से। लड़का पक्ष है लड़की पक्ष? मैं तो देखना ही पहली बार आई हूँ। लड़की पक्ष आए हो लड़का पक्ष? मैं तो वैसे ही देखना ही, वैसे ही देखने आए। अच्छा आपको कैसा लगा यहाँ? मेरे को अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भोजन भंडारा है, कोई पैसा लिया जा रहा है आपसे? कोई पैसा नहीं है। यहाँ पर कोई नशा करता हुआ नजर आ रहा? कोई नशा करता नहीं है, बहुत है। आप चाहते हैं कि इस प्रकार का माहौल पूरे हिंदुस्तान में हो? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ से आए हो? मैनपुरी से। मैनपुरी से। लड़का पक्ष है लड़की पक्ष है? सब शादी देखने आए हैं। शादी देखने के लिए आए हो? चलिए बताइए तो ये जो शादी देखने के लिए आप आए हैं, आपने भोजन किया होगा यहाँ पर? हाँ यस किया है। खाने में क्या क्या मिला? सब भोजन मिलो। क्या क्या नाम बताओ? लड्डू बर्फी रोटी सब्जी सब चीज मिली। पैसे वैसे तो नहीं लिए आपने? नहीं पैसे नहीं लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, मतलब कोई पैसा नहीं लिया जा रहा लड़की वालों से, तो आप कितने, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छी बात है, ये तो पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, दहेज नहीं लिया जा रहा तो अच्छी बात है। तुम्हें लगता है कि लड़कियों की जिंदगी थोड़ा खुशमय हो जाएगी? बिल्कुल, अगर दहेज नहीं लियो ये तो खुश तो यही, दहेज के मारे तो आदमी परेशान है। अच्छा। और कहा आप चाहते हो कि पूरे विश्व के लोग इसी प्रकार से विवाह करें? बिल्कुल ऐसे ही करें, सब बढ़िया सबके लिए, वो तो सबके लिए ही प्रथा है। इटावा साइड से आप? लैंग्वेज मैनपुरी, आपकी भाषा शैली बता रही है। मैनपुरी से ही आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? मनुपाल। मनुपाल जी कहाँ से आए हो? सिखाड़ा। सिखाड़ा। लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ? वाले की तरफ से। कौन लगते हैं वो आपके? भैया। भैया ने विवाह किया है दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है, क्या कहना चाहते हो आप? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। भैया तो कोई दहेज ले ही नहीं रहे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
नीलम। कहाँ से हो आप? हम गंगो से। लड़के वालों की तरफ से लड़के वाले लड़के वाल आप कौन लगते हैं वो आपके? बुआ जी का लड़का। बुआ जी का लड़का। आपके बुआ जी के लड़के ने दहेज में कोई पैसा ही नहीं लिया है? नहीं लिया। तो ये बात जान के आपको दुख हो रहा है या खुशी हो रही है? खुशी क्यों हो रही है? इसलिए लेना, अपने पास सब कुछ है। अपने पास सब कुछ है। आप चाहते हो कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस प्रकार से विवाह करते हैं, सभी को करना चाहिए? जी बिल्कुल। इस तरीके से लड़कियों की जिंदगी खुशी खुशमय होगी? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, अच्छा जी, आप लड़के की बहन हो। आपके भाई ने कोई दहेज नहीं लिया है? समाज के लोग कहेंगे अरे यार ये तो कोई दहेज ही नहीं लिया। दोनों कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना जी। आप चाहते हो कि इस तरीके से विवाह होना चाहिए? बिल्कुल, यही चाहते हैं कि दहेज के लिए कोई वो नहीं होना चाहिए। दहेज खत्म होना चाहिए जी, बिल्कुल। अगर दहेज खत्म हो जाएगा तो लड़कियाँ सुखी रहेंगी? लड़की जब सुखी रहेंगी कि दहेज के लिए तो लड़कियों को हद्दे मारते हैं, वो उससे मारते हैं, वो उससे परेशान करते हैं, तो इसलिए दहेज खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक और बहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, थोड़ा साइड दीजिए प्लीज, गेट अ साइड प्लीज। शामली से हो आप, तो लड़का पक्ष आया लड़की पक्ष? लड़के वालों की तरफ से। लड़के वालों की तरफ। कौन लगते हैं वो आपको? मामा मामी। मामा लगते हैं। अच्छा जी एक बात बताइए, आपके जो मामा जी हैं, मामा या मामा उनके लड़के हैं, तो उन्होंने दहेज मुक्त भारत के तहत ये जो विवाह कर रहे हैं जिसमें कोई दहेज नहीं ले रहे, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और समाज के लोग कहेंगे एक रुपया नहीं मिला दहेज में? नहीं। तो कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं। आप चाहते हो कि इस प्रकार शादी होनी चाहिए? हाँ। जी बताइए बहन जी। हम परमात्मा की दया से मौज रखी है। अपना नाम दिखा ले रखा है? हाँ जी, हमारे लड़के की रमाणी है। अच्छा जी, आपके बेटे ने बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी करने का फैसला लिया, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम तो परमात्मा से क्या कहना चाहेंगे, अब परमात्मा हम मौज रखी, बच्चों की कहना करो और खाओ मौज लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने देखा गाइस, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर, जो रिलेटिव्स हैं, जो लड़की पक्ष है लड़का पक्ष आए हुए हैं। हम सभी से बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितने लोग हो सकते थे हमने बात करने की कोशिश की है। माता बहने भी हैं। आप देखिए तमाम जो रिश्तेदार आए हुए हैं, और ये सभी लोग बड़े ही खुश हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इनके भाई, इनके बुआ जी के लड़के, इनके मामा के लड़के, इनके रिलेटिव्स ने जो दहेज मुक्त भारत के तहत जो विवाह करने का फैसला लिया था। गाइस आर सो मच हैप्पी। अब देखिए तमाम जो लोग हैं वो सभी लोग खुश हैं, और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनके हम व्यूज बताते रहेंगे आपको। बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ। दोस्तों अभी आपने देखा कि कुछ सांसारिक लोग हैं वो आए हुए थे, जगत से आए थे लोग यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम को देखने के लिए, रमणी को देखने के लिए। ठीक इसी प्रकार से माताओं बहनों की पक्ष में भी यहाँ पर ये जो बहनें वो आई हुई हैं यहाँ पर इस वैवाहिक कार्यक्रम को देखने के लिए। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे ये दहेज मुक्त विवाह को लेकर। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आप? सविता रानी। कहाँ से हैं आप? रिठानी से, मेरठ। मेरठ से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर ये जो दहेज मुक्त विवाह करने का जो फैसला लिया गया है लड़की या लड़के ने, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ठीक है, अच्छा है, लड़कियों के लिए तो बहुत काफी बेनिफिट है यहाँ पर, जो मतलब कि आप लड़की पक्ष है लड़का पक्ष? मैं लड़के पक्ष की तरफ। लड़के पक्ष हूँ। कौन लगते हैं आपको? मेरा भाई है। आपके भाई है। आपके भाई ने इस समाज में वर्तमान में जहाँ पर दहेज की बड़ी मांग रहती है, उस समाज में दहेज मुक्त भारत के तहत ये जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है, आप कितनी प्रभावित है उनके इन विचारों से? मैं तो 80% से ठीक ही लग रहा है मुझे उनसे। अच्छा यहाँ पर आप आए हैं, आपने देखा कि कोई बीड़ी तमाकू शराब सिगरेट? नहीं, यहाँ पे किसी के पास ऐसी चीज नहीं। आश्रम के अंदर ही? आश्रम के बाहर भी नहीं देखा? नहीं, आश्रम के बाहर भी नहीं देखा मैंने तो ऐसा कुछ। अच्छा आपको कैसा लगा यहाँ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। बताइए खाना पीना खाया? खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। खाने में क्या क्या प्रोवाइड किया? खाने पीने में जो मतलब की जो खाना होना चाहिए, दाल चावल जो मतलब की नॉर्मल डाइट। कुछ पैसे लिया गया आपसे? नहीं, कुछ पैसे नहीं। मैं बता, सुनाई में आया कुछ पैसा लिया जा रहा है, ये बात सही है या अफवाह उड़ाई जा रही है? देखो मैं तो जैसे हमने हम अभी खाना खाया है यहाँ पर, तो ऐसे कोई मतलब की अफवाह वगैरह तो कुछ है नहीं, नॉर्मल अच्छा मतलब की डाइट अच्छी मिलती है यहाँ पर। खाना क्लियर है, सही बात है ये। अच्छा जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
जिना। कहाँ से आप? मुरादाबाद से। लड़का पक्ष या लड़की पक्ष? लड़की पक्ष। लड़की लड़की पक्ष। कौन लगती है वो आपकी? बहन। बहन लगती है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नीलम नाम। कहाँ से आप? यशुपुर मेडिकल कॉलेज से। लड़का पक्ष या लड़की पक्ष? लड़का। कैसा लग रहा है आश्रम में आपको? अच्छा लग रहा है। कोई आपसे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे? नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं। ऐसा तो नहीं है सत्संग सुनवाने के पैसे लिए जा रहे हो या भोजन के पैसे लिए जा रहे हो? नहीं नहीं, किसी चीज का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे? के बात किसी के दबाव में बोल रहे हैं, स्वेच्छा से बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अपनी सुरक्षा से। मैं तो यहाँ आई थी बल्कि पहली बार हूँ, लेकिन आकर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। चलिए, नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? कोमल। नाम दीक्षा ले रखा है आपने? नहीं। एक बात बताइए, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जो भी है बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर। युवा लोग हैं, युवाओं की एक उम्मीद रहती है डीजे गाजे बाजे नाचना गाना, लेकिन इसको छोड़कर इन लोगों ने सादगी पूर्ण विवाह करने का फैसला लिया है। और इनका कहना है कि हम दहेज मुक्त भारत बनाएंगे, दहेज मुक्त भारत के तहत ताकि जो भ्रूण हत्या है वो खत्म हो, महिलाओं पर अत्याचार होता है बाद में दहेज को लेकर के, वो खत्म हो। तो ये जो वुमेन एम्पायर के लिए, वुमेन पावर के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं ये लोग, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? मैं सहमत हूँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पर है बहुत अच्छा है, जो इसके रूल्स हैं बहुत अच्छे लगे मुझे भी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पर। आप प्रशंसा करोगे इनके इस कार्य के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर गोयल है, गाँव बसवाड़ा जिला मेरठ। मेरठ से हैं आप? क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं, तो आप लड़का पक्ष से आए या लड़की पक्ष से? मैं तो वैसे ही आया हूँ। हाँ, कैसा लगा आपको यहाँ पर? मुझे आगे अच्छा लगा, मैं घूमने आया हूँ वैसे देखने। शामली से? नहीं, मेरठ से। सर एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं दहेज मुक्त भारत कर रहे हैं, और दहेज मुक्त भारत के तहत यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा शादी में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो निर्धन लड़कियाँ हैं बेचारी उनकी शादियाँ हो जाएंगी, बस की पैसे लगाने नहीं है माँ बाप के, उनकी शादियाँ हो जाएंगी ठीक ठाक रहे उनका परिवार, यही मेरा कहना। अच्छा, यहाँ पर आपने भोजन किया? हाँ। भोजन में क्या क्या खाया? जलेबी, लड्डू, बर्फी और कढ़ी चावल, पूरी, फुलका, सब चीज खाई। आपने रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया है अभी? अभी नहीं लिया। नहीं लिया है। तो आप क्या कहना, स्वाद कैसा था भोजन का? अच्छा था। यहाँ पर कोई भी आपने नशा करते हुए देखा? ना, किसी प्रकार का बीड़ी दिमागो शराब ना कोई। अगर ये आपके बच्चे ये नशा मुक्त हो जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत। संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों परिवारों को नशा मुक्त कर दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, बढ़िया है बात, क्योंकि मैं तो नशा करा ही नहीं आज तक। आपने किया नहीं? परिवार में करता ही नहीं कोई। बहुत बढ़िया। अगर ये जो लोग करते हैं, अगर उन्होंने जो छोड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर, तो कैसा रहेगा सर? ये तो बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, इस वैवाहिक कार्यक्रम में जो संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के अंदर किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ परिजन आए हुए हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में ये जो ब्लैक कलर की माला है, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अक्सर कर इस तरह की माला नहीं पहनते। और आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें इस आश्रम में कैसा लगा और क्या कुछ इनके व्यूज हैं आश्रम में आने के बाद में। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मंसूर नाम है जी। मंसूर नाम है। कहाँ से आए हैं आप? लोनी से आए। लोनी से आए हैं। सर आप एक बात बताइए, आप लड़का पक्ष है लड़की पक्ष है? लड़की पक्ष। लड़की पक्ष है। तो आपके जो बहन है या भाई है जो भी है जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह करने का जो फैसला लिया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया। आपको लगता है कि दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए और ये कितना जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। दहेज लेना देना तो गलत है, दहेज नहीं लेना चाहिए ना देना चाहिए। सर एक बात और हम आपसे बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत को लेकर बीड़ा उठाया हुआ है, उनका कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता है ऐसा हमें बताया गया है। एक बात और हम जानना चाहते हैं कि आप कितना क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर आपको पता लगता है कि संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बना रहे हैं? जी सही कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, नशा नहीं करना चाहिए, गलत। आपने यहाँ पर भोजन किया? भोजन किया। भोजन में क्या क्या दिया जा रहा है?
भोजन में बहुत कुछ था ऐसे क्या बताएंगे, लेकिन जो भी था सब सही था। कुछ तो बताइए। जलेबी थी, चावल थे, दाल थी, सब ठीक था। बस क्या कुछ पैसा लिया जा रहा है? नहीं, कोई पैसा नहीं। सब स्वाद कैसा था भोजन? स्वाद बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर जी नमस्कार। सर जी क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ से सर आप? लोनी से है। लोनी से पूरा ग्रुप है? हाँ जी, हम साथ लड़की पक्ष। हाँ जी, ये जो दहेज मुक्त भारत बनाने की बात कही जा रही है, आप इससे कितना सहमत हैं? आपको लगता है कि दहेज मुक्त भारत होना चाहिए? तो अगर आप अगर संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को नशा मुक्त कर देते तो ये कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, इस पूरे आश्रम में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या आपने किसी को बीड़ी, तम्बाकू, शराब, सिगरेट या कोई नशा करते हुए देखा? नहीं, ये वाक्य में ये नहीं देखा हमने यहाँ पे। मैंने हर जगह देखा है, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा कि मतलब कोई तम्बाकू कुछ कुछ खाता हो। ऐसा होगा ये आश्रम में नहीं खा रहे, शायद बाहर खा रहे हैं और रास्ते में खा के नहीं, कोई बाहर भी नहीं। यही चीज अच्छी लगी है हमें यहाँ पे। हम सच बता दो, पहली बार हम आए ना, तो पहली बार में हमें बहुत अच्छा लगा। हमने ये चीज देखी, कोई किसी तरीके का नशा नहीं कर रहा, खाना भी खा रहे तो सब फ्री है, मुफ्त है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। दहेज मुक्त शादी हो रही है, कोई दहेज नहीं है, तो सब बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। आप चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार के प्रोग्राम करते रहें? हाँ, करते रहें बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच।